ये बन रहा है यहाँ पे हमारा खाना पीना जो बिरयानी का है यहाँ पे बना रखा है। ये जो मैंने बिरयानी बना रही है वो टेक्निक मैंने सीखी हैदराबाद से, क्योंकि मैं एक दिन एक्चुअली हैदराबाद गया था तो वहाँ पे मैंने खाया था, तो मैं अंदर ही चले गया था इनके रसोई में, तो वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस सीखा, तो आज मैंने वही फॉलो किया है। अच्छी खासी ये देखिए इतने पीस मिले इनको फिर भी कम लग रहा है इनको हो। ये है अंकित, चैनल। तो देखिए दोस्तों आज हम जा रहे हैं संडे, तो संडे पे करेंगे हम कुछ फंडे, तो हम जाएंगे अभी जंगल पे, वहाँ पे करेंगे बिरयानी पार्टी, तो होगा हमारा चिकन पार्टी। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं, तो हमने सारा सामान वगैरह रख लिया है, एक और भाई का इंतजार हो रहा है, तो यहाँ पे से कुछ लोकल पे जाएंगे हम, वहाँ पे पार्टी वगैरह करेंगे। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे, मिलते हैं आगे, तो पूरा इंजॉय लीजिए। ये अपने भाई लोग हैं रोहित, अंकित, सोनू। लास्ट डेस्टिनेशन है, तो ये ऊपर है जहाँ ये जैसे कि दो भाई हमारे यहाँ पे सफाई वफाई करने में लगे हैं, तो ये हमारी गाड़ी खरीदी के आओ पीछे देखो मुर्गी वाले ये देख रहे हो जैसे काफी बिल्कुल देखिए दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये अपना सामान है, तो ये चीज़ें हम लेके आए हैं और ये बनाया चूल्हा यहाँ पे, और ये लकड़ी वगैरह ढूंढ रहे हैं। ये लेके आए हैं मुर्गा, देखो मुर्गी, ये सब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं ले जाता हूँ आपको, थोड़ा ज़बरदस्त झरना है। ये देखिए यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, ये वो झरना है, यहाँ से पानी निकल रहा है। ये कुछ इस तरह का बनाया पानी वानी लोगों ने, यहाँ पे व्यवस्था ही बना रखी है नल वल लगा के। ये देख सकते हैं पानी इतना प्यारा यहाँ पे गिर रहा है। लाइटर किसके पास है? लाइटर, लाइटर किसके पास है? अब मैं जलाता हूँ यहाँ पे आग पहले। ये देखिए दोस्तों इसको कटिंग कट करना पड़ेगा, आ गया हूँ। ये इसको काटने के लिए लेके आए हम सामान, आ गए नाश्ते में बिस्किट ले, सुनो खाना भाई अंकित चलो भाई तैयारी करो जल्दी। अब मैं जा रहा हूँ भाई पानी भरने के लिए, यहाँ पे पास में ही हमारा एक बहुत अच्छा झरना है, झरने से हम पानी भरेंगे। अभी दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारा।
माँ साहब हमारे यहाँ पे प्याज वगैरह काटने लगे हैं, बिरयानी के लिए तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और देख सकते हैं हम आग भी जल गई है। प्याज कितना लेके आया था भाई? 1 किलो। टमाटर? 1 किलो। और ये चावल? 1 किलो। चावल दिखाओ ना यार, चावल दिखाओ ना। पहले बात तो ली थी, प्रीमियम क्वालिटी है भाई। बिरयानी कौन बनाएगा? रोहित बिरयानी बनाएगा। ठीक ठीक, तो मुर्गी कौन काटेगा? सोनू मुर्गी। ये अपने भाई लोग हैं, इसमें दही भी पड़ती है क्या भाई? क्या क्या पड़ता है बता ना मसाला? पड़ेगा आप दही, सारे मसाले में डाल चुका हूँ इसमें। चिकन के ऊपर मैंने डाला, सबसे पहले चिकन पाउडर डाला, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर धनिया मिर्च जो अपना मसाला होता है वो डाल दिया, और उसके बाद बिरयानी मसाला भी डाल दिया। उसके बाद मैं दही डालूंगा। दही की तो हमारे पास चम्मच है नहीं, हाथ ही से डालना पड़ेगा। तो दही इतना पड़ेगा इसमें, ज़्यादा नहीं। टमाटर भी अपने पास, उसके बाद मक्खन डालना निक्की थोड़ा सा, मक्खन थोड़ा सा तेल डाल। हाँ धोए, अरे मजा तो तभी है जब हाथ ना धो, तभी तो टेस्टी और होता है। क्या बिना हाथ धोए मैं कर दूं? पर बिरयानी बनाने आया, तेल खड़क कर ये इनने मुर्गी के पैर भी जला रखे। ये है अपना क्या कहते हैं मुर्गी के पैर। नमक 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 कहाँ है? नमक कहाँ है? नमक का डब्बा लेके आता है। बस छोड़ दो, हो गया। तो बाकी इसमें डाल दे, थोड़ा सा डाल दो, ज़्यादा नहीं। इसमें डाल दो वापस। ये प्याज काट के रखा है, बढ़िया। ये साबुत ऐसे डालेगा इसको और पतला करेगा, इसको मेल्ट होने दो, इसका मसाला रेडी हो गया। हो गया तो हम उसके लिए क्या कहते हैं लेयर बनाएंगे। तो लास्ट में तो उसके लिए हमें ऐसे बारीक लंबे लंबे कटे स्लाइस में हमें इसको प्याज काटना होगा, ऐसे ऐसे करके, ताकि इसके हम लेयर वो निकाल सके। इसको हम भून के अलग से साइड कर देंगे। प्याज कट गया है गुरु जी, प्याज ऐसे काटना था क्या? देखो ओके, अब क्या होगा? ये हमारे प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं लेयर के लिए। तो जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे हल्के से, तो इनको हम निकाल देंगे। सोनू भाई क्या लेके आए? लकड़ी लेके आ गए। ये हमारे सोनू भाई लकड़ी ला गए, पानी भर के लेके आ गए भाई। फुल व्यवस्था काम मालूम बहुत करनी हुआ यार। सोनू भाई काम पानी भी लेके आया, काम केड़ भाई हो। आप बताओ क्या बन रहा है दोस्तों? ये हमारा बन रहा है, अरे समा होटल में ने। ये प्याज कट गए हुए। तो देखिए यहाँ पे रोहित बना रहे हैं बिरयानी, और सारा सामान हमारा तैयार हो चुका है। ये अंकित भाई हैं। अंकित भाई हो गई सारी तैयारी? सारी हो गई है। अब कितना टाइम लगेगा अभी खाने पीने में? लाले तो हमारे सैफ ही बताएंगे अभी कितना टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या तैयारी हो चुकी है। ये हमारा चिकन पे मसाला लग चुका है, यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये हमारे फ्राइड अनियन निकल चुके हैं, इसको हम इसकी इसके हेल्प से हम क्या करेंगे लेयर बनाएंगे। अच्छा और क्या होगा? कौन कौन से मसाले दूँ? खड़ा मसाला दे दूँ?
ये लो। और क्या दूँ? जितने भी हैं सारे, जितने भी पड़ेंगे मसाले में, ये लो इसमें सारा मसाला। ये रहा तुम लोगों ने काट दो यार लहसुन, यार भाई तुम लाख लहसुन लहसुन काट दो यार, जल्दी बाजे महंगे दुश्मन चला जाए। नहीं मसाला पड़ना तैयार हो गया है इस पर। ये देखिए लाल मिर्च को मिला हमने क्या कम डाल दिया? लाल मिर्च, हरी मिर्च है ना बहुत है। गाइस तो हमारी लकड़ियाँ फिलहाल कम हो गई है, इसलिए हम लकड़ी लेने जा रहे हैं अभी ऊपर। हमारे कुछ साथी अभी ऊपर गए हैं लकड़ी के लिए, तो हम भी अभी लकड़ी लेके आएंगे ऊपर से। देखना भी करते हैं, घूमते हैं पहले, जंगल भी जाते हैं, लकड़ी का इंतजाम करते हैं, तभी हमारी बिरयानी पूरी बन पाएगी। हम ऊपर जाते हैं, तब तक आपको कुछ व्यू दिखा देते हैं। निखिल भाई आ गए हैं कुछ लकड़ियाँ लेके। निखिल भाई हो जाएगा इतनी लकड़ी उसे? हाँ हो जाएगा, लास्ट ही बचाया हो जाएगा। अच्छा चलो हम और लेके आते हैं थोड़ा। हमारे आ रहे हैं संजू बाबा, लकड़ियाँ मिली ऊपर मैंने सुना है कि इसके जो अंदर बीज होते हैं खाते भी हैं। हाँ खाते भी हैं। अच्छा अभी जो जंगल में बंदर वगैरह रहते हैं तो ज्यादातर इसी को ऐसे खोल के खाते हैं इसके बीज का। अच्छा इसको इंसान भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से अच्छा होता है, ये चीड़ के पेड़ है आप इस देख रहे हैं, इनमें से ये चीजें निकलती है। ठीक है ठीक ठीक। और इससे आग भी बहुत अच्छी जलती है, आजकल सर्दियों का टाइम है जिसमें हम आग अच्छी सेक सकते हैं। इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारी पड़ी हुई है, तो ये काफी अच्छी रहती है, उससे आग बहुत तेज जलती है। तो आइए थोड़ा और हम आपको लोकल का यहाँ का दिखा के आते हैं। और वो देखिए दोस्तों वहाँ पे हो रहा है अभी, ये हमारा चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है हमारा यहाँ पे पार्टी, ये बन रहा है यहाँ पे हमारा खाना पीना जो बिरयानी का है, यहाँ पे बना रखा हमने प्रोग्राम। और जो हम पानी लेके आ रहे हैं आपको हम दिखाते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका, और यहाँ पे से हम पानी लेके आ रहे हैं, ये झरना है। कोशिश करते हैं हम यहाँ जाने की, एक बार आपको दिखाते हैं वहाँ। अभी हमारा टाइम तो है बिरयानी बनने में, तो हम थोड़ा घूमाते हैं। चले क्या ऊपर? चले सर। कौशल भाई यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी है, ये ले जाए। लकड़ियाँ गिर गई है क्योंकि ये पेड़ से सड़ गई होंगी ना। अच्छा अच्छा, पेड़ जो होगा उसको टूट के नीचे गिर गई है। काफी बड़ा जंगल है ऊपर, पूरा जंगल है यहाँ पे, आपको जंगली हिरन भालू और बाघ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ व्यू दिखा देते हैं आपको थोड़ा। जो देखिए दोस्तों यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और इधर आइए, इधर से हम मैं आपको चट्टान दिखाता हूँ बहुत बड़ी। तो देखिए कितनी भयंकर चट्टान है, और वहाँ से नीचे को नज़ारा बहुत भयंकर लगता होगा। और पहले तो यहाँ पे रोड वोड नहीं थी, तो आदमी यहाँ से जो ज़्यादा पैदल जाता था। हाल ही में 2-4 साल पहले यहाँ पे ये देखिए आपको एक छोटी सी प्रधानमंत्री जो योजना चली थी उसके सड़क योजना, सड़क योजना उस तहत की, उसके तहत ये रोड यहाँ पे आई है। अच्छा अच्छा, तो आगे गांव पड़ता है आपका। चलिए आपको टॉप में जाके थोड़ा व्यू दिखाते हैं हम। अभी हम जा रहे हैं झरने के टॉप में जहाँ से हमारा पानी नीचे गिर रहा था। रास्ता कुछ काफी डेंजर लग रहा है यहाँ से देखने में। देखिए एकदम ढलान है, सीधे ढलान है, सीधे एकदम सीधे ढलान है। अगर हम काफी रिस्की रास्ता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर भी। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, अगर ये जो यहाँ से इस तरह से गिरेगा ना, अगर अगर बाय चांस मैं यहाँ से गिर जाता हूँ तो मेरा हाल इस कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से भाई साहब बहुत ही डेंजर है, इस तरह से हम गिरना नहीं चाहेंगे। हम पहले रास्ता चेक करेंगे कि कोई रास्ता है या नहीं। आपको दिखाते हैं, अगर रास्ता होगा तो तभी जाएंगे हम आगे। पहले हम चेक करते हैं कि रास्ता है, थोड़ा सा तो रास्ता दिख, मुझे देख के लग नहीं रहा है कि हम जा पाएंगे। हल्का फुल्का रास्ता दिख रहा है, कोई रास्ता मेरे को बहुत टफ लग रहा है। थोड़ा और आगे जाके जाके देख लेते हैं हम। देखिए
करके मुझे यहाँ पे लकड़ी मिल चुकी है। एक लकड़ी मिल चुकी है। ये देखिए भाई, अगर गलती से हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे नीचे जा सकते हैं वहाँ पे, जो कि हमारे लिए बहुत बेहद खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। मिला? तो भाई को हमारे यहाँ पे रास्ता मिल चुका है, अभी हम ट्राई करेंगे कुछ वहां जाने की। ये चीज है, ये है पत्थर चट्टा है, इससे जो लकड़ी का स्टोन होता है ना, अच्छा अच्छा, वो इससे कटता है, उसके लिए फायदेमंद रहता होगा, इसके लिए बहुत फायदेमंद। तो नाम क्या होता है आपने इसका? पत्थर चट्टा। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। उसका यूज कैसे करते हैं कुछ बताएंगे आप? इसका यूज करने तो आप इसको, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार का होता है। हाँ अच्छे से मैं इसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। जी जी, देखिए इसकी मिट्टी में डाल देता हूँ पहले। ये आप इसका पत्ता देख सकते हैं, इस तरह का इसका पत्ता होगा एकदम बड़ा, और इसे जर्जरा सा होता है कांटे टाइप के, और ये कुछ इस तरह की जड़ होगी। इस जड़ का यूज इस तरह का होता है, इसको छिलके आप धो के, चाहे तो आप इसको पट्टे अपने मुंह में चबा सकते हैं तो इससे पतली कटती है, वरना आपको इसको उबाल के इसका रस लेके सुबह शाम दो टाइम तो आपकी पतली झट से बाहर जाएगी। तो आइए। तो भाई लोग, हमारे भाई ने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई, जिसकी से भी पथरी की कोई शिकायत है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके हम आपको अवेलेबल ये चीज़ करा सकते हैं। थोड़ा और ऊपर चले गए हम, यहाँ से लगता है हमारा रास्ता, ओह माय गॉड, हमारा रास्ता बिल्कुल यहीं तक था, इससे आगे कोई रास्ता नहीं। अभी हम जाएंगे वो चट्टान के नीचे, आगे बहुत बड़ी खाई है, नहीं आती आप देख सकते हैं, और ऊपर जाने का कोई फायदा भी नहीं है। कैसी है बताओ, जगह के बारे में बताइए अंकित भाई, काफी अच्छी है। कैसी जगह लगी आपको? बहुत अच्छी। और खाने में कैसा लगा? चिकन जो बनाया था मस्त बना था। अरे तुम लेट थी, ठीक है।
ये अपना सैलेड तैयार हो चुका है, इसमें डाल दो यार नमक। ये अब हम भाई लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये सोनू है, ये अंकित है, ये निक्की है, ये सोनू है, ये निक्की है, ये है अंकित। ये नमक डाल दिया इस पे ऊपर से, और ये भाई लेके आ गए हैं गर्मा गर्म। क्या बनाया भाई इसमें? ये है देखिए चटनी, चटनी बनी है ना, ये थाली भी दे दे आगे को, उसमें खाओगे। अरे एक मुन्नी को मैं छोड़ता हूं, अंकित मजा आएगा चटनी का। अरे शाम को रुक जा, तो कौन नहीं बुझेगा वो आग, बुझा दो उसमें धुआं निकल रहा है ना, उसमें पानी डाल दो। इस टाइम हो चुका है हमारा लंच, हो रहा है अभी। चम्मच है, चम्मच इसको हटाओ साइड में, इसको खा रे, हटा इसको। ये आ गई बिरयानी कढ़ाई, बिरयानी तो खाता हूं। अब बनी हमारी फाइनली बिरयानी। तो हेलो गाइस, फाइनली हमने बिरयानी बना चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा जूम कर दो, ये हमारी तो जैसे कि हम आप सभी परोसेंगे। हम कितने लोग हैं? पांच लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो काफी अच्छी बिरयानी बन चुकी है। यहाँ पे मैं इसमें खाऊंगा क्योंकि रशियार हूँ। हेलो तक मिक्सअप ना कौन बिरयानी बन रही है। अब ये बन के फाइनली तैयार हो चुकी है हमारी। जो ये जो मैंने बिरयानी बना रही है वो टेक्निक मैंने सीखी हैदराबाद से, क्योंकि मैं एक दिन एक्चुअली हैदराबाद गया था, तो वहाँ पे मैंने खाया था, तो मैं अंदर ही चले गया था इनके रसोई में, तो वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस सीखा, तो आज मैंने वही फॉलो किया है। अच्छी खासी काफ़ी अच्छी दम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी हो गई है। अच्छा, आपने हैदराबाद जाके सीखी है बिरयानी? जी जी, ठीक ठीक। तो एक्चुअल में बिरयानी की जो एक रेसिपी होती है वो यही होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वो चावल के ऊपर से डाल देते हैं, जस्ट लाइक खिचड़ी बना देते हैं पूरा। तो वो प्रोसेस अच्छा नहीं होता, क्योंकि चावल पहले अलग बना लो, चिकन पहले अलग बना लो, फिर लेयर बनाओ, फिर ये बिरयानी होती है। तो मैंने पूरा मिक्स कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा सा मैंने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल देख रहे हो जैसे कि हमारे देख रहे हो ऑरेंज ऑरेंज चावल, ही मैंने कलर भी डाल रखा है, तो बहुत ही लुक अच्छा आ रखा है मतलब ये बिरयानी का एकदम। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वॉश कर दिया। मेरे को लग रहा है थोड़ा कलर कम हुआ है इसमें ना। नहीं नहीं, कलर जो भी है, लेकिन भूख बहुत काफी लग रही है। कितनी लगी आपको भूख? मुझे लगता है कि अभी खा लेना चाहिए टाइम से। टाइम कितना हो चुका है अभी? टाइम 4 बजने वाला है। अब बंद कर, 4 बजने वाले ना, कब मन मार रहा है, 3 बजने वाला है भाई, 3 बजने वाला है। तो अभी अब हम माँ कसम ने औरी कर दी, बोले हाँ अब देखते हैं माँ कसम ने और क्या कर दी है। और का मतलब होता है अजब गजब। थाली का है, थाली ये रही ना, इसमें डाल देना मेरे लिए भाई, क्या है डाल दिया, अपना एक हड्डी कम कर देना लहसुन की जगह। अभी तो अच्छा, अभी तो रुकना रुकना, नींबू डाल के और टेस्टी लग रहा है। अच्छा सैलेड भी ले लो, भी थोड़ा लेते हैं अभी, को दबा के होना चाहिए। अंकित भाई बताइए, ये हमारी चटनी बनाई है मोमो, ये मोमो चटनी एकदम देखिए कितना चिल्ली कलर हो रहा है इसका, और खाने में बहुत चटपटी लगेगी आपको। और यहाँ पे जो खाना परोसने वाले हैं अपने बर्तन में डालने लग गए हैं, और दूसरों को भूल गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम ब्लॉग बनाने में मस्त हैं, और यहाँ इधर उधर कहीं पहले तो चांगो ने डाला तो प्ले लगा टेस्ट लगा। उमन चाओ कदू चनु में, ये देखिए इतने पीस मिले इनको, फिर भी कम लग रहा है इनको, कहते ही हो। ये है अंकित, ये चिल्ली चटनी है भाई, बहुत स्पेसी बना रखी है भाई ने। चटनी कम कम डाल, चटनी दबा के डाल दे रहा है। अबे चटनी तुम साइड में डाल लो ना, मैं वैसे तो ना डाल रहा हूं, तुम अपने हिसाब से डालते रहना, क्यों निक्की। तो दोस्तों हम करते हैं स्टार्ट खाना, अभी मिलते हैं। ये मेरा खाना, इस पे ले लिया मैंने नींबू एक खाने में, ये बस आपको लग गई भूख ना, कैसा बनना है? मजा आ गया। सुनो भाई कैसे बनाए, टेस्ट करो फिर बताइए। सैलेड भी लो, सही बना, मजा आ गया, मजा
मजा आ गया। अंकित भाई आप बताइए कैसा बना है? काफी टेस्टी है लेकिन थोड़ी मिर्च ज्यादा है। चलो दोस्तों मैं भी खा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको, फिर हम उसके बाद घर को जाएंगे यहाँ पे सफाई वफाई करने के बाद। हेलो दोस्तों, हमारी पार्टी खाना पीना हो गया खत्म, अब हम जा रहे हैं। अभी हो रही है तैयारी, सारा हिसाब किताब मिला जुला के जितना जिसका जो बैठा है, अब हम चल रहे हैं घर को।